से 4 वाटर टेंडर और लगभग 30 जवान मौके पर पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये भीषण आग लगी हुई है शिमला में और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत इनको करनी पड़ी। लकड़ी का बना हुआ ये मकान था जिसमें आग लग गई और ये बहुत ही पुराना था और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। जबरदस्त लपटें इस मकान से आग की उठ रही है, धुएं का गुबार यहाँ से उठ रहा है और इस मकान में जैसे ही आग लगी कुछ मिनट में ही ये भयंकर लपटें यहाँ से उठने लगी। देखते ही देखते 3 मंजिला मकान एकाएक जमींदोज हो गया। आग बुझाने में जुटे अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी 3 मंजिला मकान से गिरने से बाल बाल बचे। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात में लकड़ी के एक पुराने मकान में आग लग गई। ये भयावह तस्वीर है आग की, आप देख सकते हैं। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आपको बता दें जो मकान है ये गोयल फर्नीचर नाम से एक फर्नीचर व्यापारी थे उनका ये मकान बताया जा रहा था। 3 मंजिला मकान बहुत ही पुराना था और ये मकान राम बाजार के बिजनेसमैन गोयल फर्नीचर का था। वो इस मकान में रहते नहीं थे, ये काफी सालों से खाली पड़ा हुआ था। इस पुराने मकान को चौधरी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था और अब आग के चलते ये जमींदोज हो चुका है।